ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्म उत्सव की तीसरी संध्या से पहले एक फैशन शो भी आयोजित किया गया। शो में शिमला के निजी विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे विभिन्न देशों के छात्र छात्राओं ने अपने देश के प्रारंभिक परिधानों में रैंप पर कैटवॉक कर प्रस्तुतियां दी। तीसरी सांस्कृतिक संध्या में मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को बधाई दी। इस मौके पर जिला प्रशासन के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव की तीसरी संध्या से पहले एक फैशन शो भी आयोजित किया गया। शो में शिमला के निजी विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे विभिन्न देशों के छात्र छात्राओं ने अपने देश के पारंपरिक परिधानों में रैंप पर कैटवॉक कर प्रस्तुतियां दी। तीसरी सांस्कृतिक संध्या में मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों को बधाई दी। इस मौके पर जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विदेशी छात्र छात्राओं ने अपने अपने देश का झंडा दिखाकर एकता का संदेश दिया। शो में 27 देशों के 45 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसमें बांग्लादेश, मालदीव, जिम्बाब्वे, अफ्रीका, भूटान, नाइजीरिया, गावो, सार्क, नॉर्थ ईस्ट के देश, मालविन, कांगो और भारत के विभिन्न राज्य के स्टूडेंट्स ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त फैशन शो में विभिन्न देशों के नृत्य भी देखने को मिले। स्टूडेंट्स ने अपने अपने देश में होने वाले डांस को खूबसूरती से पेश किया और कार्यक्रम की शुरुआत में छोटे बच्चों का फैशन शो भी आकर्षण का केंद्र रहा।